जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे एआरओ बरेली के लिए इंडियन आर्मी रैली भर्ती 2022 की अपडेट बताएंगे, रियल नोटिफिकेशन बताएंगे कि आखिर आपका कैसे चेक करना है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इस डेट से आपका रैली भर्ती शुरू होगा या इस डेट से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। मैं आपको चेक करने का तरीका बताऊंगा कि बहुत सारे यूट्यूबर जो वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, जानकारी देते हैं कि भाई इस डेट से आपका रैली भर्ती शुरू होगा, इस डेट में आपका एडमिट कार्ड आना शुरू होगा और अदर वेबसाइट पर जानकारी देते हैं, तो वो बहुत सा फेक बता रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, बच्चे लोग कन्फ्यूज जा रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, बिल्कुल ही आपको आसान तरीका है, आप 2 मिनट में सीख जाएंगे। आपके पास मोबाइल है, इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रियल नोटिफिकेशन चेक कैसे करना है इस वीडियो में मैं आपको जानकारी बताऊंगा। मैं इस वीडियो में ये नहीं आपको बताऊंगा कि इस डेट से आपका रैली भर्ती होगा, बल्कि इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं हूँ और यहाँ पे चेक करने का तरीका बताऊंगा कि एआरओ बरेली हो या एआरओ वाराणसी या एआरओ आगरा के लिए इंडियन आर्मी रैली भर्ती के लिए नोटिफिकेशन रियल कैसे चेक कर सकते हैं, रियल नोटिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो इसी टाइप से तो आपको इंटरफेस देखने को मिलता है जो यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है एआरओ बरेली के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्क्रॉल करते हुए थोड़ी आपको नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख पाते हैं जेसीओ ऑब्लिक ओआर एंट्री, जेसीओ ऑब्लिक ओआर एंट्री के नीचे में छोटा सा व्यू ऑल पे लिखा हुआ रहता है जो इस पर आपको क्लिक करना होगा। मैं इस पर क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं लेटेस्ट रैली जेसीओ ऑब्लिक ओआर, लेटेस्ट रैली जेसीओ ऑब्लिक ओआर के नीचे में यहाँ पे आपका कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अब इस मैटर को आप ध्यान से सुनेंगे, जिस भी एआरओ के लिए लेटेस्ट में इंडियन आर्मी रैली भर्ती का नोटिफिकेशन आउट होता है वो आपका सबसे पहले रहेगा। ठीक है, जो यहाँ पे अभी एक साल से करीबन कहीं पे भी रैली भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसीलिए ये जो कन्याकुमारी के शो के जाना है ये बहुत ही पुराना है। ठीक है, तो भाई लेटेस्ट का जो भी रैली भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा तभी तो ये नीचे आते जाएगा, लेटेस्ट का जितना आएगा वो आपको ऊपर होते जाएगा और ये वाला नीचे होते जाएगा। ठीक है, तो ये कन्याकुमारी वाला ये बहुत ही पहले से अपडेट किया गया है, नोटिफिकेशन निकाला गया, अभी तक कहीं पर भी करीबन साल भर, कोई कोई जगह पर तो 2 साल तक का रैली भर्ती नहीं हुआ है, लेकिन 8-9 महीने से कहीं पर का रैली भर्ती नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन नहीं शो किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको इसी वाला आपको कॉलम में आके चेक करना है, क्या करना है आपको चेक करना है एआरओ बरेली के लिए जो यहाँ पे आपका शो किया जाएगा एआरओ बरेली इंडियन आर्मी रैली भर्ती 2022 कुछ इस टाइप से आपका लिखा हुआ रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद उसके सामने में ये पीडीएफ को सिंपल आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उस पीडीएफ को पूरा पढ़ना है जो उस पीडीएफ में आपका पूरा डिटेल लिखा हुआ रहेगा, ऑनलाइन कब से कब तक करना है, लास्ट डेट आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, कौन सा जगह पर होने वाला है, ट्रेड बाय के हिसाब से ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन लिखा हुआ है, मतलब पूरा आपका डिटेल लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये पहला मैं आपको चेक करने का तरीका बताया, जितना आपका लेटेस्ट रहेगा वो उतना आपका ऊपर रहेगा, जितना आपका ओल्ड होते रहेगा लेटेस्ट भर्ती का वो आपका नीचे होते रहेगा। ठीक है, अब दूसरा मैं आपको चेक करने का तरीका बता रहा हूं, दूसरा चेक करने के लिए हमें यहां से बैक होना पड़ेगा। मैं बैक हो गया। अब बैक होने के बाद हमारा यहाँ पे देख पा रहे हैं जेसीओ ऑब्लिक ओआर इनरोलमेंट के जस्ट सामने रैली प्रोग्राम का ऑप्शन आता है, रैली प्रोग्राम वाले ऑप्शन पे हमें सिंपली आके क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमारा इस टाइप से ओपन हो गया रैली प्रोग्राम। रैली प्रोग्राम के नीचे में स्टेट नेम सिलेक्ट करना है, दूसरा आपका डिस्ट्रिक्ट नेम सिलेक्ट करना है। तो सिंपली हमें कौन सा का देखना है, हमें जो देखना है एआरओ बरेली के लिए, तो भाई एआरओ बरेली जो आती है वो कौन सा स्टेट के अंदर आता है, तो वो आपका आता है यूपी माने उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। तो स्टेट यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश, चलिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट में होगा, उत्तर प्रदेश मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन में गया और उसके बाद हमें क्या सिलेक्ट करना है यहाँ पे बरेली, चलिए बरेली, बरेली यहाँ पे बरेली सिंपली क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए बरेली का ऑप्शन आ गया, बरेली पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया बरेली का, और उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया और बरेली डिस्ट्रिक्ट हो गया, मतलब एआरओ जो है वो आपका बरेली है। ठीक है, तो यहाँ पे बरेली सिलेक्ट करने के बाद सर्च बार वाले ऑप्शन पे हमें सिंपली क्लिक करना होगा। मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारा दूसरा इंटरफेस आ गया नो रिकॉर्ड्स फोन। तो भाई ये नो रिकॉर्ड फोन इसलिए यहाँ पे शो किया जा रहा है ना, क्योंकि रैली भर्ती को लेकर अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं आया है, ना ही नोटिफिकेशन आया है। अगर जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, जो मैं आपको पहला तरीका बताया वो वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा, ऑनलाइन डेट कौन सा एआरओ के लिए है, कौन सा डेट में आपका भर्ती होगा, किस जगह आपका रैली भर्ती होगा, कौन सा ग्राउंड में होगा, कौन कौन सा ट्रेड के भर्ती कौन सा डे में होगा, और कब आपका ऑनलाइन हुआ था, कब इसका लास्ट डेट था, और उसके हिसाब से मतलब पूरा आपका डिटेल लिखा हुआ रहेगा रैली भर्ती
भर्ती को लेकर, नोटिफिकेशन आएगा तब, और नोटिफिकेशन नहीं आया इसीलिए यहाँ पे नो रिकॉर्ड फोन शो किया जा रहा है, और आएगा तो यहाँ पे आपका पूरा एक या दो पेज आएगा, ठीक है। तो ये दूसरा आप चेक करने का तरीका सीखे और समझे। मैं आपको इसलिए ये मैटर को बताया क्योंकि अदर वेबसाइट पे जो जानकारियाँ दी जाती है वो रियल नहीं रहता है, बहुत सारे रियल भी बताते हैं तो वो भाई अगर इंडियन आर्मी के ऑफिसर वेबसाइट पे बता रहे हैं तो हाँ वो सही है, लेकिन अदर वेबसाइट पे जो जानकारी दे रहे हैं वो फेक ही बताते हैं। तो इसीलिए अदर वेबसाइट पे आपको विश्वास नहीं करना, आपको जो बिलीव करना वो इंडियन आर्मी को ओनली वेबसाइट पे। और मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताया कि इस डेट से आपका रैली भर्ती होगा, बल्कि ये बताया कि आपको कैसे रियल नोटिफिकेशन चेक करना है और सच्चाई इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।